ये बुधनी बुधनी का जो क्षेत्र है वो बीजापुर विधानसभा से एकदम विपरीत है, क्योंकि बुधनी से जो शिवराज सिंह चौहान थे कई बार वहां से विधायक रहे, सांसद भी रहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो काफी विकास कार्य उस क्षेत्र में पहले से भी होते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि जनता जनता जब प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और अगर एक सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती है तो कोई फर्क सरकार को पड़ने वाला नहीं है। वैसे में जनता भी अब समझदार हो गई है कि अब क्यों ना हम सत्ता पक्ष के साथ जाएं, जिससे जो विकास हमारा चल रहा है बुधनी विधानसभा क्षेत्र में तो वो अनवरत चलता और आगामी चलता रहे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जिन विधानसभाओं में है आज दिनांक में तो कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती कि कांग्रेस विधायक ये राग अलापते हैं कि भाई हम कोई काम नहीं करा सॉरी हमारे कोई काम नहीं हो पा रहे क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं हमें, तो इस तरह की कई सारी तस्वीरें सामने आती है। तो जनता हो सकता है कि सत्ता पक्ष के साथ जाए या फिर हो सकता है बदलाव के साथ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके का परिणाम इस बार भी राजधानी रायपुर में देखने को मिल सकता है कि सुनील सोनी के ऊपर दारोमदार इस बार ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर वो जीत जाते हैं यहाँ पर तो उनसे अपेक्षाएं और बीजेपी से अपेक्षाएं इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि लंबे समय से बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे हैं, उन्होंने जरूर सड़कों को सुधारा, उन्होंने जरूर कुछ क्षेत्रों पर विकास कार्य किए हैं, लेकिन महापौर रहने के साथ में, सांसद रहने के साथ में और अब फिर से विधायक बनने के बाद कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल होगा कि किस तरीके से उनके नए विधायक यहाँ पर उनके लिए काम करेंगे। जनता के लिए भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर होगा कि जो नए विधायक है सुनील सोनी अगर यहाँ पर विधायक बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कि पहले अगर वो महापौर रहे हैं तो उससे अब विधायक बनने के दौरान में क्या कुछ नया करेंगे, किस तरीके से बेहतर करेंगे, ये तमाम जो चैलेंजेस हैं वो बीजेपी के लिए यहाँ पर रहेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा चैलेंज यही है कि आखिर दक्षिण विधानसभा जीत जो अभेद्य किला माना जा रहा है बीजेपी का, उसको भेदने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, कौन चाणक्य वहां पर साबित होगा जो कांग्रेस को वहां पर बढ़त दिलाएगा, ये अब भी ऐसा सवाल है जो कांग्रेस के लिए था बना हुआ।